एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे। बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए टीचर ने जेब से 100 रुपये का नोट निकाला और बच्चों की तरफ वो नोट दिखाकर कहा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये कितने रुपये का नोट है? सभी बच्चों ने कहा 100 रुपये का। फिर टीचर ने कहा, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा? तो सभी बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को बुरी तरह मसला, मुट्ठी में बंद करके तो वो 100 रुपये का नोट कुचल सा गया। अब फिर से टीचर ने उन बच्चों से कहा, अब ये नोट कुचल सा गया है, अब ये नोट कौन कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर से हाथ खड़ा कर दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को ज़मीन पर फेंका और अपने जूते से बुरी तरह कुचला। फिर टीचर ने नोट उठाकर बच्चों से कहा, अब इसे कौन कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिया। तो अब टीचर ने जो कहा वो सुनने के काबिल है। उसने कहा, बच्चों आज मैंने तुम लोगों को एक बहुत बड़ा सीख सिखाया है। ये 100 रुपये का नोट था, जब मैंने इसे हाथ से कुचला तो ये नोट कुचल गया, लेकिन इसकी कीमत 100 रुपये ही रही, कम नहीं हुई। उसके बाद जब मैंने इसे जूते से मसला तो ये नोट गंदा हो गया, लेकिन फिर भी इसकी कीमत 100 रुपये ही रही, कम नहीं हुई। ठीक इसी तरह इंसान की जो कीमत है और इंसान की जो काबिलियत है वो हमेशा वही रहती है। आपके ऊपर चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, चाहे कितनी भी मिट्टी धूल आप पर गिरे, मगर आपको अपनी कीमत नहीं गंवानी है। आप कल भी बेहतर थे तो आज भी बेहतर हैं। जब एक कागज़ की कीमत कोई नहीं घटा सकता तो आपकी कीमत कौन घटा सकता है?